में खान सुरक्षा पखवाड़ा 2022 मनाया जा रहा है। 9 जनवरी से यह इसका आगाज किया गया है। 14 जनवरी को उमरिया कालरी जोहिला क्षेत्र उमरिया उपक्षेत्र में इसका निरीक्षण किया गया। शुरुआत में कार्यक्रम की यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर जो प्रयास पौराणिक जी हैं उन्होंने झंडा ध्वजारोहण करके और सुरक्षा शपथ दिलाकर लोगों को जय सुरक्षा कर्मचारियों को जय सुरक्षा जय सुरक्षा अभी सभी लोग सुरक्षा शपथ लेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा तथा सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा मैं शून्य क्षति दक्षता प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करूंगा और मैं जानबूझकर या लापरवाही वश ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके फलस्वरूप मैं या खदान में कार्यरत मेरे सहयोगी खतरे में पड़ जाएं अथवा खदान एवं उसके आसपास की किसी भी संपत्ति का नुकसान हो। जय सुरक्षा जय सुरक्षा। आइए सभी लोग जय सुरक्षा जय उमरिया 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 सब प्लस भाई।
क्या जो चीज़ आपको बुलाना पड़ रहा है सिंपल रेडियन वहाँ से आता है, उसके बाद इसमें पूरा अपन माल भर के और लेप मसीन से पूरे बराबर कर लिया, उसके बाद ये कटिंग बना ली, उस कटिंग को बनाने के बाद इसको अपन असेंबल कर देते हैं जिसकी ये एडाप्टर हो गया, एडाप्टर कहला गया। उसके बाद इस पर होल करके बीच में सिंपल होल करके ये पूरा ये अपन ये कम्प्लीट कर देते हैं। ये मेनी फोल्डर जो हमारे यहाँ माइन के अंदर ख़राब हो गई और पानी फेंकने लगा ना, ये एक ही पढ़ा ना इसके बाद लगी हुई है इसमें दिक्कत ये हो जाती है सर कि ये चल नहीं पाता ज्यादा, चल नहीं पाता, कंपनी वाले लगाते हैं मतलब सर ये माइन का है, ये हमने चंद्रा नाला बनाया है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल से बना है चंद्रबान और ये यही लोग बनाए हैं। इसमें वाटर लेवल पे मार्क की है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग दीजिए। चालू डेंजर लेवल मार्क, डेंजर लेवल मार्क है सर 446 से। हमारे माइंस के बगल में नाला बह रहा है, नाले का हुआ है, हमने एक वाटर लेवल लगे फ्लो किया है और वहाँ फ्लोट लगा रहता है। रेगुलर इंस्पेक्शन होता है जी सर, रेगुलर होता है। हाँ माइंस उनमें जो है जैसे टच होता है वैसे हम बदलने लगता है, उसकी लंबाई जो है हम नाप लेते हैं कि हमारा वाटर लेवल कितने नीचे है। माइन में ऐसे ही चाहिए, इनोवेटिव आइडिया है, बहुत अच्छा लोगों का। देखिए सर लोटो वाला हम लोग यहाँ सब ये मल्टी 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 लगता है
यहाँ दिखा देते हैं ना। अरे सोन सर, हाँ मैं समझ गया। मेरे सोन सर, हाँ 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 मिल जाएगा। आप दीजिए, आप मेरा नाम है। सामने देख, वो एक ही समय का निकल गया। वही वही एक ही कंपनी से डायरेक्टर। चलो ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। बगल वैसे हो गया इनका। ठीक है ठीक है ठीक है। एक एक और चीज बनवाया सर। हाँ सर, चलो देख लिया है। दूसरे माइंड में भी ना सब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जानवर जल्दी लेके जाना, तो एक आदमी इसको ले जाके एकदम फ्री है। और वैसे यदि जाते हैं अपन दो लेके जाना, जी फ्री है, तो चार लोग जाते हैं। एक ही आदमी अशोक बाबू बोले शशिकांत। ठीक है ठीक है, मनीष ने ठीक है। ये भी फिगर है सर, ये भी बहुत बढ़िया। ये रोहित जी, कल से मैं बदलपुर में हूँ। इसके पहले मैं बहुत दूर था, असम में था, नॉर्थ ईस्टर्न कोल से। नाम सुनाओगे आपको? हाँ, एन ई सी। एन ई सी, एन ई सी में था। सबको हार्दिक शुभकामना आपका एनुअल सेफ्टी प्रोटेक्ट के लिए। हम चाहते हुए आपको सुरक्षित एंड जो आदिवासी भी सबका है, सबका सुरक्षित होने से। नमस्कार, हमारा नाम प्रवीर कुमार बंदर। चर्चा माइंड में सवेरे मैनेजर है। ज़्यादा दिन हुआ नहीं हमारा, हमारा एक साल दो तीन तीन महीना हुआ। पहले हम रिसीव में थे ईस्टर्न कोल टूटने में थे। आप लोग सुने होंगे झाझरा प्रोजेक्ट। झाझरा प्रोजेक्ट में हम फिर साल थे, फिर एक माइंड में दो साल थे, फिर छः महीना आर एक माइंड में टोटल थर्टी और अबाउट थर्टी थ्री या सीसीएल में थे। 21 दिसंबर नाम चर्चा में थे। जावेद साहब और परनालाल साहब और यहाँ उपस्थित उमरिया क्षेत्र परमाधारी गौतम साहब और यहाँ उपस्थित सभी शक्ति कमेटी के सभी सामान्य सदस्यगण, यहाँ के उपस्थित सभी जेसीसी के सभी सामान्य सदस्यगण, वेलफेयर के सभी सामान्य सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, महिलाएं, सबों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं वार्षिक आमतौर पर 2021 पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं और आगे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उमरिया में जो है जीरो हार्म को 2023 में ठीक करें, इसके लिए शुभकामनाएं बधाई। हेलो, मैं एडीएसएफ के अंदर सुमन कुमार साहब का धन्यवाद करता हूं और मैं उनको उमरिया की पूरी टीम की तरफ से ये बोलूँगा कि इस साल जीरो हार्म हम लोग अचीव करेंगे। हम लोग सारी रिपोर्टेबल भी इस बार कोशिश करेंगे कि रिपोर्टेबल भी जीरो हो। पिछले बार कुछ गलतियों के कारण 3 रिपोर्टेबल उमरिया माइन में हुए हैं, वो कुछ गलतियां लापरवाही थी, उसको सुधार किया गया है। और मैं इस साल जो सेफ्टी टीम आई है इंस्पेक्शन के लिए, भट्टाचार्य साहब, मंडल साहब, दीप कुमार साहब, पन्नेलाल जी और जावेद अंसारी जी को, इनको भी खदान का निरीक्षण के साथ, ये भी मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि इस साल कुछ नहीं आएगा, जीरो रिपोर्टेबल होगा। अगले साल जो भी टीम आएगी, कोई रिपोर्टेबल नहीं, एवरीथिंग विल बी नील, विल अचीव जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो उमरिया माइन के सेफ वर्कर है उनको मैं एक एक करके बुलाऊंगा, उनको इनाम देंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर वर्कर टीकाराम जी, मैं भट्टाचार्य साहब से अनुरोध करूंगा कि उनको गिफ्ट और मालाओं से स्वागत करें। माला निकाल के
कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर क्या काम करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर अच्छा धन्यवाद इसी कड़ी में मैं मंडल साहब को अनुरोध करूंगा कि खदान में रोशन लाल जी हैं ये सर दसर का काम करते हैं ये इनको मैं गिफ्ट और माल्यार्पण से स्वागत करूँ बहुत धन्यवाद इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि पूरन ये हमारे यूडीएम ऑपरेटर है सर इनका माल्यार्पण से स्वागत करें और इनको गिफ्ट देकर सम्मानित करें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सवेरिया मैनेजर गौतम साहब से अनुरोध करूंगा कि अशफाक जो हमारे बहुत हमारे इनका गिफ्ट देकर स्वागत करें हमारे यहाँ सर सबसे कलाकार सबको सीखा हुआ है सब एरिया को सीखा हुआ है सबके ठीक है आप सभी इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और यही कामना करता हूं कि इस साल सुरक्षित रहे जीरो हार्म अचीव करना है उमरिया को धन्यवाद अभी अपन इंस्ट्रक्शन के लिए जी जी बढ़िया आ रहे सब लोग सब आ रहे उमरिया देखो आ रहा है उमरिया का बोर्ड आना चाहिए ये पीछे वाला ना सुरक्षा पकड़ पूरा आ रहा पूरा 2022 पूरा आ रहा और एक चलो मोहाड़े चलो आया होगा परफेक्ट वही हो गया मैं फोटो